ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। के यहाँ पे स्थानीय लोगों की कंप्लेंट न जाने कितने बार और कई नेताओं के पास जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे ये डंपिंग है। आप देख रहे हो किस तरह यहाँ पे गंदगी है। अभी कोरोना महामारी यहाँ पे जो शहर में हमारे राज्य में फैल रही है, लेकिन ये पूरे हॉस्पिटलों का, जितने कोविड हॉस्पिटल है हमारे शहर के या जो क्वारंटाइन किए हुए जगह है, वहाँ का भी डंप यहाँ पे आता है। और जिस तरह बारिश हुई है, जो यहाँ से बास और गंदगी और दुर्गंध, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि लोग कोरोना महामारी से मरे ना मरे, लेकिन यहाँ की बदबू से जरूर मर जाएंगे। और यहाँ पे मौत हो चुकी है। आज ये एक डेलीगेशन हमारे पास आया, हमने बोला ठीक है हम आपकी समस्या लेते हैं, कमिश्नर जी से बात करेंगे। हमारे यूथ आइकन ओमी कालानी जी से भी मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने बोला ठीक है कमिश्नर जी से, जो हमने समय लिया है कल का, हमारी इस विषय में भी बात होगी। अब देखते हैं रास्ता कहाँ निकलता, नहीं तो हम पीओके की तरफ से एक उधर आंदोलन, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। ये गाड़ियों को यहाँ से आना जाना बंद करेंगे। यहाँ कचरा बहुत है, भांस आती है, मच्छर आता है बहुत, मक्खियाँ गर्मी में बहुत रहती है, बहुत बहुत इधर हमारी हालत ख़राब होती है। बालाजी किनीकर आप ही हमारा गली में आके देख के आए। पहले हमने लोगों ने मोर्चा निकाला है, दो तीन बार गाड़ियाँ वापस की है, कोई हमारी सुनवाई नहीं करते। सब लोग आते हैं पैसा खा के बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। तो हमको इधर बहुत मुसीबत है, इधर कोरोना की बीमारी फैली है, एक इधर धुआं है, खांसी है और बुखार। मेरा बेटा एक बीच वाला कैंसर में बीमारी में मर गया। अभी किसके पास जाऊं, किसके पास बोलूं मैं, बताओ। दो लड़की और औरत छोड़ के गया है, कौन देगा मेरे को अभी बच्चों के लिए, बताओ आप। ये बीमारी फैल रही है इतनी गंदी गंदी। पहले मेरे पोते को डेंगू का बुखार हो गया था, उसी टाइम भी किसी ने नहीं किया। मैंने बहुत मोर्चा किया, ट्रकें वापस भेजी, लफड़ा किया, प्रधान प्रधान सब खड़े थे इधर। तभी भी इसने लोगों ने कोई, बालाजी किनीकर ने बोला हम 4 बजे उधर जाएंगे म्युनिसिपालिटी में, पर 4 बजे म्युनिसिपालिटी में कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी इतना साल से हम झेल रहे। बोला मैडम 15 दिन चालू होने दो, 15 दिन के बाद भी ये काम चालू है। आज कम से कम 10-8 साल से काम चालू रह रहा है, पर जी कोई सुनवाई नहीं होती है। सब पैसा खा के बैठ जाए। सतराम भी इधर लालचक्की के इधर बोर्ड लगा के मंडप लगा के बैठा था, पर आज कोई भी इधर हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम गरीब लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए, बताओ किधर जाएंगे हम लोग। कितना हम झोपड़े में रहने वाले, हम कहाँ जाएंगे, बताओ आप। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।